पॉइजनस होता है और ये क्या करता है बेटा, ये डिजीज कॉज करता है। कैसा होता है बेटा, ये पॉइजनस होता है और ये डिजीज कॉज करता है। अच्छा, पॉइजनस ये वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट का जो ऑर्गेनिज्म है ना, वर्टिब्रेट्स के लिए ये पॉइजनस होता है। और इसका जो टॉक्सिन सब्सटेंस है वो कहलाता है सैक्सीटॉक्सिन। ये आपको याद रखना है, ठीक है, सैक्सीटॉक्सिन को बिल्कुल मत भूलना। सैक्सीटॉक्सिन वाज सेक्रेटेड बाय गोनाडाक्स कैटेनम, ठीक है, गोनाडाक्स कैटेनम, ठीक है, सैक्सीटॉक्सिन कहलाता है। ये सैक्सीटॉक्सिन क्या करता है, ये फिश को किल कर सकता है। किसको? फिश को ये किल कर देता है। और उसके अलावा जितने भी अदर एक्वेटिक्स होते हैं, एक्वेटिक्स बोले तो अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फिश के अलावा जितने भी अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको ये किल करता है। और एक्चुअली क्या होता है कि जब फिश मर जाएंगे ना, तो वो मर करके वाटर सरफेस पे आ जाएंगे, वाटर बॉडी के बाउंड्री वॉल पे आ जाएंगे, या हो सकता है कि उनकी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल गया हो और फिशिंग के थ्रू वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में आई, फिशिंग हुई, फिशिंग होने के बाद ह्यूमन बींग्स ने उनको खाने के लिए यूज किया, या अल्टीमेटली वो डेड हो गई और उसको ह्यूमन बींग्स ने खाने के लिए यूज किया। तो अल्टीमेटली ये जो सैक्सीटॉक्सिन है ये ह्यूमन की बॉडी में भी आ जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है। अब जब सैक्सीटॉक्सिन इनकी बॉडी में इनडायरेक्टली आ गया ना, तो ये डिजीज कॉज करेगा बेटा, ये क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। और इस डिजीज को अपन बोलते हैं बेटा पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग। क्या होते हैं? पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है, या इस किसी को आप पीएसपी डिजीज कह सकते हैं बेटा। इस डिजीज को आपको मेमोराइज करके रखनी है, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग। ये सैक्सीटॉक्सिन के कारण कॉज होता है। ये सैक्सीटॉक्सिन डायनोफ्लाजेट्स स्पेशली कौन से गोनाडाक्स कैटेनेला स्पीशीज रिलीज करती है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ तक तो अपन ने बात कर ली डायनोफ्लाजेट्स से कुछ अल्ट्रास्ट्रक्चर या उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की, फिर से चलो डिस्क्राइब कर लेते हैं। अपन ने प्रोटिस्टा की बात की थी, प्रोटिस्टा क्या थे, इनकी ग्रुपिंग की बात की, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा एंड प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में अपन ने फिर बात की डायनोफ्लाजेट्स की, क्राइसोफाइट्स की और यूरिनाइट्स की। क्राइसोफाइट्स को अपन ने डिवाइड किया डायटम्स एंड डेसमाइट्स, ठीक है। कंज्यूमर डिकम्पोजर अपना जो प्रोटिस्टा था उसमें अपन ने साइमॉड्स को बताया, ए सेलुलर एंड सेलुलर साइमॉड्स। और प्रोटोजोअन में अपन ने बताया फ्लैजिलेटेड स्यूडोपोडियल, सीलिएटेड और स्पोरोजोअन प्रोटिस्टियंस की, ठीक है। फिर अपन डायनोफ्लाजेट्स की डिटेल स्टडी पे गए थे, जिसमें अपने को पता चला कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ऑब्वियसली ये जनरली अपने को फ्रेश वाटर या मराइन वाटर में देखने को मिल सकते हैं। फिर अपन ने बताया ये फाइटोप्लैंक्टन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ये अपन ने बताया कि जो रेड टाइड होती है वो गाइनोलैक्स और जिम्नोडियम के कारण ही होती है, दिखती है अपने को, क्योंकि इनके पास रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं। फिर इसके बाद अपन ने बताया गोल्डन डायनोफ्लाजेट्स भी होते हैं, जोजरफेली के नाम पे अपन ने उनको बताया। कुछ होते हैं जैसे नॉक्टुरिफर, गाइनोलॉक्स और पायोडिनियम, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंस डायनोफ्लाजेट्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। फिर अपन ने इनकी कंडीशन की बात की थी कि ये मोटाइल हो सकते हैं, फ्लैजेटेड हो सकते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक प्लेट की बनी हुई होती है बेटा। फिर अपन ने बताया था कि इनके जो फ्लैजेला है वो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रहते हैं, तो ट्रांसवर्स वाला रिबन लाइन दिखता है और लॉन्गिट्यूडनल वाला स्मूथ एंड नैरो कंडीशन में देखने को मिलता है। फिर अपन ने बताया कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके नीचे म्यूसिलस की कवरिंग मिलती है। मेजर चीज फिर अपन ने क्या बताया था, इनमें प्लास्टिड के पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मिलता है, जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मेजर रोल प्ले करता है। इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं मिलती है, बल्कि उसकी जगह नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलती थी, जो कि फ्लोटिंग और ऑस्मोरेगुलेशन में मेजर रोल प्ले करती थी। उसको अपन नाम देते थे क्या बेटा, प्यूसीयू। क्या नाम देते थे? प्यूसीयू, ठीक है। फिर अपने इनके रिप्रोडक्शन की बात की, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरीके का मिलेगा। अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, नॉर्मली सेल डिवीजन के थ्रू हो रहा है। अगर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगेमस और एनाइसोगेमस, मतलब सिंगामी देखने को मिल रही है आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस के फॉर्म में। लाइफ साइकिल की बात करें तो जायगोटिक और गैमेटिक लाइफ साइकिल देखने को मिल रही थी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अपन ने सैक्सीटॉक्सिन की बात की, जिसके कारण से पीएसपी डिजीज, मतलब पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजन डिजीज देखने को अपने को मिलती। फिर अपने पास कुछ एग्जांपल्स हैं, क्रैटियम एंड नॉक्टुरिफा नाम के ये दो अपने डायनोफ्लाजेट्स उठा के लाए हैं आपके लिए, देखते हैं। हैबिटेट डेफिनेटली एक्वेटिक होंगे, मतलब फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर होंगे, तो चाहो तो आप यहाँ बिल्डिंग भी सकते हो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मराइन वाटर, ठीक है। आप इस तरीके से आप देख सकते हो। डेप्थ
रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली अगर उठा रहे हैं तो सिंगियर्मी में कौन सा एनाइसोगैमस टाइप का देखने को मिलेगा। इनका जो न्यूक्लियस होता है ऑब्वियसली लार्ज साइज का होता है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, मीजो कैरियोटिक न्यूक्लियस। मीजो मतलब लार्ज, कैरियोटिक मतलब कैरियन न्यूक्लियस, ठीक है। तो मीजो कैरियोटिक कंडीशन का न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रोमेटोफोर्स, वो जो कलरफुल पिगमेंट्स होते थे ना क्रोमेटोफोर्स, यहाँ पे बेटा क्रोमेटोफोर्स इनकी पूरी बॉडी में साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में डले रहते हैं, ठीक है। ये इसका एक बॉडी स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे आउटसाइडर में आपको स्पाइक्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट वन कॉल्ड स्पाइन्स। देन उसके बाद पेलिकिन, इनकी जो सेलुलर सर्वॉल की लेयर दिख रही है, यहाँ पे देखो पेलिकिन मिलता है। जनरली यहाँ डायनोफ्लैजेल्स में क्या मिलते हैं, सेलुलोजिक प्लेट, बट ये ऐसा है केराटियम जिसके पास अपने को सेलुलोजिक प्लेट की जगह पेलिकिन देखने को मिल रही है, ठीक है। पेलिकिन कैसी होती है, थोड़ा सा ये सेलुलोजिक प्लेट से लिटिल बिट सॉफ्ट तरीके की मिलेगी, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स जो कि रेड कलर का आपको पूरी बॉडी में इसके स्कैटर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं, सेंट्रल पार्ट में आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप दिख रहा होगा, और उसी से निकला हुआ आपको फ्लैजेलम दिख रहा होगा, ठीक है। यही फ्लैजेलम के बेस पे ही अपने को प्यूसियो देखने को मिलता है, ठीक। देन इसके बाद एपिकल हॉर्न एंड एपिकल हॉर्न, ये जो इसके नॉच वाले पोर्शन है देखने को आपको मिल रहे होंगे। ऐसे ही अपन बात करते हैं इसकी नॉक्टिल्यू का, नॉक्टिल्यू का क्या होता है बेटा, नाइट लाइट, इसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट लाइट क्यू कलरलेस होंगे, इनके पास कोई कलर नहीं मिलेगा, जनरली कोई कलर पिगमेंट नहीं होगा, बट लाइट पड़ेगी तो ये लाइट इमिट भी करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट अगर बात करें तो कोस्टल जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, कोस्टल फाइटोप्लैंक्टन किनारे वाटर जो वाटर बॉडीज है उनके किनारे किनारे एरिया में, किनारे एरिया बोले तो कोस्टल एरिया में जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनमें अपने को नॉक्टिल्यू का सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो बेटा ये होलोजोइक न्यूट्रिशन वाला होगा। अब देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन बोले तो बेटा ऐसा न्यूट्रिशन सिस्टम जिसमें इंजेशन से लेकर के और इजेशन तक की पूरी न्यूट्रिशनल प्रोसेस फॉलो होती हो, मतलब इंजेशन होता हो, डाइजेशन होता हो, एब्जॉर्प्शन होता हो, एसिमिलेशन होता हो और इजेशन होता हो। याद है टेंथ में आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा था ना, ह्यूमन बींग आर कैटेगराइज्ड इन होलोजोइक न्यूट्रिशन कैटेगरी, ऐसे ही ये भी होलोजोइक कैटेगरी में। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा इनमें आइसोगैमस टाइप की सिंगियामी, देखो यहाँ पे कैसी थी, एनाइसोगैमस टाइप की सिंगियामी थी, यहाँ पे कैसी हो रही है, आइसोगैमस टाइप की सिंगियामी अपने को देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। अच्छा इम्पोर्टेंट ये है कि नॉक्टिल्यू का सबसे पहला डायनोफ्लैजेलेट, नॉक्टिल्यू का ऐसा सबसे पहला खोजा जाने वाला डायनोफ्लैजेलेट है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है नॉक्टिल्यू का, मतलब फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड डायनोफ्लैजेलेट्स आर, दैट वन इज नॉक्टिल्यू का, ठीक है बेटा। नॉक्टिल्यू का सबसे पहला खोजे जाने वाला डायनोफ्लैजेलेट था। देन ये फ्रेजाइल होते हैं, मतलब बहुत जल्दी जुट जाते हैं, पेलिकल इनके पास आपको देखो यहाँ पे पेलिकल देखने को मिलेगी, पेलिकल उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती जितनी के सेलुलोजिन की कवरिंग हुआ करती है, तो ये फ्रेजाइल होते हैं। और इनके जो लॉन्ग टेंटिकल्स मिलते हैं, इनके पास होते हैं लॉन्ग टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं जो कि फ्लैजेला के लाइक वर्क करते हैं। ये देखो ये लॉन्ग टेंटिकल्स आपको रेड कलर का देखने को मिल रहा है, ये रहा ये टेंटिकल्स है, ये फ्लैजेला की तरह वर्क करता है, ठीक है बेटा। देन इसके पास देखो ट्रांसवर्स फ्लैजेला, जो कि डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, दो फ्लैजेला तो होंगे ही, तो ट्रांसवर्स फ्लैजेला इसका कैसा है, वो रिड्यूस्ड हो गया है टीथ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, इसका जो ट्रांसवर्स फ्लैजेला है वो रिड्यूस्ड हो गया और टीथ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म बना देता है ये, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला है वो स्मॉल फॉर्म में रह जाता है, वो भी रिड्यूस्ड हो जाता है, वो छोटी साइज का हो जाता है, मतलब जो रिबन साइज का था वो फोल्ड हो गया, रिड्यूस हो गया और टीथ लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, और जो नैरो और स्मूथ था वो छोटा ही रह गया। ये तो हो गए बेटा अपने नॉक्टिल्यूका का जनरल कैरेक्टरिस्टिक। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो इसमें आपको लॉन्ग टेंटिकल्स दिखेगा जो कि मेजर रोल करता है, फ्लैजेलेटेड रोल पूरा यही परफॉर्म कर देता है टेंटिकल। बॉडी इसकी पेलिकन की बनी हुई है, अंदर ये आपको छोटा सा ग्रीन कलर का आपको फ्लैजेलम दिख रहा होगा जो कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो गया है। साइटोस्टोम आपको दिख रहे होंगे, माउथ लाइक पोर्शन को साइटोस्टोम कह रहे हैं। आपको न्यूक्लियस सेंट्रल पोर्शन में ग्रीन कलर की बॉडी दिख रही है। देन इसके बाद ये न्यूक्लियस के आसपास आपको सेंट्रल साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, सेंट्रल न्यूक्लियस के आसपास और फिर पेरिफेरल मतलब इसकी पेलिकल या बाउंड्री वॉल के आसपास मिलेगा, ठीक है। बीच वाले पोर्शन में साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम देखने को मिलता है, उस पोर्शन में क्या होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है। वही यहाँ पे मिल रहा है आपको सेंट्रल साइटोप्लाज्मा,
देन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड देन यहाँ पे आपको मिलेंगे साइटोप्लाज्मिक स्क्रीन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर थे हमारे केराटिनियम एंड नॉक्यूलिका का। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। कारण क्यों है? एक तो नाइट लाइट है, दूसरा क्या कर रहा है दूसरे में, और एक कैसा हो रहा है यहाँ पे क्रोमेटोफोर अपने को स्कैटर्ड फॉर्म में मिल रहे हैं। दोनों की बॉडी पे देखो स्पाइक्स के साथ साथ पेलिकल बन रही है, पेलिकल होने के कारण ये इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, इसके अलावा फिर अपन ने देखा था गाइनोलॉग्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइनोलॉग्स, नॉक्टिल्यूका, केराटियम, ये कुछ डायनोफ्रैजेट्स के एग्जांपल्स हैं जो कि आपको क्या करने बेटा हमेशा रिकॉल करके रखने। ठीक है, तो अभी तक केवल अपन ने डायनोफ्रैजेट्स की स्टडी करी जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियल्स की एक कैटेगरी है। डायनोफ्रैजेट्स में सबसे मेजर चीज क्या देखी, दो फ्लैजिला होते हैं इनकी बॉडी, जनरली इनकी बॉडी में सेरोलॉजिक प्लेट देखने को मिलती है, केवल कुछ है जिनमें पेलिकल देखने को मिलेंगे। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्लैंक्टोनिक स्टेज या प्लैंक्टोनिक या कि फाइटोप्लैंक्टन के लिए सबसे अहम किरदार यही प्ले करते हैं, सबसे मेन होते हैं ये मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। क्लोरोफिल ए और सी मिलती है ज्यादातर, ये इनके पास कलरफुल पिगमेंट्स मिलते हैं, रेड कलर के, ब्राउन कलर, गोल्डन कलर, येलो कलर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। इनमें जो रिजर्व फूड है स्टार्च एंड ऑयल के फॉर्म में होता है। बेसिकली इनके पास ना बेटा प्यूसिल होता है, प्यूसिल को मत बोलना, ठीक है, प्यूसिल होता है। और देन फिर इसके अलावा ये अपन ने केराटिनियम एंड नॉक्टिल्यूका की बात की। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, जल्दी से आप इसको कवर कर सकते हो, इसको कवर करो, इसको फिनिश करो। अगले लेक्चर में बेटा अपन मिलेंगे ट्राइसोफाइट्स मतलब डायटम्स एंड डेस्माइट के साथ। ठीक है, और साथ में वही पेपर यूग्लिनाइड्स को पेपर कंप्लीट करेंगे। ठीक, तब तक के लिए इसको आप रिवाइज करो, एक बार देखना प्रोटिस्टा का जनरल कैरेक्टर भी देखो, फिर से डायनोफ्रैजेट्स को देखो, तो आपको डिफरेंस वहां पे क्लियर हो जाएगा। सेरोलॉजिक प्लेट पेलिकल प्यूसियूल इनको मत भूलना। ठीक है बेटा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए, आप इनको प्रिपेयर करिए, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा।